बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। पहली यूनिट का पहला लेक्चर वन एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर वन में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, बोहर मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल और प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब बिंदुओं के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली उन तरंगों को जो द्रव्यित कणों से संबंधित होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनको द्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें डी ब्रोगली के सम्मान में डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तरंगों की भांति द्रव्य तरंगे भी दोहरी प्रकृति रखती है, द्वैत प्रकृति रखती है, डुअल नेचर रखती है, अर्थात ये कण और तरंग दोनों प्रकार की गुणधर्म या प्रकृति दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर वेव्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल, वेव्स एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तरंग की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, समीकरण वन। इसके बाद हम कण की ऊर्जा आइंस्टीन के अनुसार E बराबर एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार। अब ये समीकरण उपरोक्त समीकरण एक और दो, इनके दोनों की तुलना करने पर हमारे पास आ जाता है एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ये समीकरण तीन हो गया। अब चूँकि हम जानते हैं कि न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, तो ये मान समीकरण चार का मान तीन में रख दिया तो हो गया, समीकरण तीन बदल गई एच सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, और सी से सी को हमने काट दिया तो क्या बच गया, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी, और इस एम सी को हम पी संवेग या मोमेंटम भी कहते हैं, तो P बराबर हो गया H अपॉन लेमडा। ये डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति को दर्शा रहा है कि ऐसी कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण, कोई भी तरंगे जो लेमडा प्रॉपर्टी यानी कि वेव्स की प्रॉपर्टी रखती है, P प्रॉपर्टी यानी कि कण की प्रकृति रखती है, तो ये दोहरी प्रकृति या द्वैत प्रकृति दर्शाती है। P समानुपाती वन अपॉन लेमडा, किसी गति मान कण का संवेग P तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डी ब्रोगली द्वैत प्रकृति का अल्टरनेटिव कथन या वैकल्पिक कथन भी हम मान सकते हैं। डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। डी ब्रोगली परमाणु कणों की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन सर्वप्रथम डेविशन व जर्मर नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन प्रारूप द्वारा किया था। प्रयोग का सिद्धांत, किसी एम द्रव्यमान वाले कण को, इलेक्ट्रॉन है, उसको वी स्थिर विद्युत विभव के साथ स्मॉल वी सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ एम स्क्वायर, इससे हम पी बराबर ई वी से भी दर्शा सकते हैं, दोनों के मान बराबर होने चाहिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के, तो ये हो गया हाफ एम स्क्वायर बराबर ई वी, और वेलोसिटी वी बराबर हो गया अंडर रूट टू ई वी अपॉन एम, ये बड़ा वी है, ये विभव है, तो चूँकि हम जानते हैं कि कण की तरह लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी होना चाहिए, और वी वेलोसिटी का मान लेमडा वाले समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया लेमडा बराबर एच अपॉन एम अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट टू ई वी, तो लेमडा हो गया एच अपॉन अंडर रूट टू ई वी एम, एम ई एच के मान रखने पर और इलेक्ट्रॉन का विभव, एम ई एच के मान रखने पर लेमडा हो गया लेमडा बराबर अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम में, और 100 विभव का मान रखने पर हम क्या आ गया,
लैम्डा बराबर 1.22 एंगस्ट्रॉम आ गया। ये इस कोटि की तरंग दैर्ध्य है, इसका प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों मान समान आने के कारण इसका सत्यापन होता है। डेविसन और जर्मर प्रयोग। डेविसन और जर्मर दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था कि एक इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट लिया था, उससे हाई एनर्जी बीम उस पर गन द्वारा एक स्लिट से इलेक्ट्रॉन की पतली किरण निकालकर उसको एक निकिल क्रिस्टल है इस पर आपतित किया था, और ये भिन्न भिन्न कोणों पर यहाँ से विवर्तन प्रारूप होता था, जिसको मशीन द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता था, और इसके थीटा और वी के बाद जो मान आया था वो 1.22 एंगस्ट्रॉम आया था, जो कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान समान है। डेविसन व जर्मर दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रायोगिक सत्यापन किया था किसका, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी सूक्ष्म कण के लिए स्थिति और संवेग का यथार्थता के साथ एक ही समय पर दोनों का मापन संभव नहीं है, इसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। गणितीय रूप से डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, ये बराबर या ग्रेटर देन होगा एच अपॉन टू पाई के। हाइजेनबर्ग के अनुसार एक गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे गुणधर्म की अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। मान लीजिए कोई बॉल अगर गति कर रही है तो उस समय उसकी स्थिति का अनिश्चितता रहती है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का दूसरा रूप ऊर्जा व समय के सिद्धांत के अनुसार है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई, ये एच कट अपॉन टू पाई, और एच कट बराबर होता है एच अपॉन टू पाई। हाइजेनबर्ग सिद्धांत पर हमें कभी कभी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब सूक्ष्म कण है तो अगर हम इनकी स्थिति का यथार्थता के साथ मापन करें तो इनके वेलोसिटी का यथार्थता के साथ मापन नहीं होता, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। जो स्थूल कण हैं उन पर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता। हाइड्रोजन का बोहर प्रतिरूप। नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को संशोधित करते हुए परमाणु को समझाने के लिए मॉडल दिया था, जिसे बोहर का मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु प्रतिरूप को निम्नलिखित बिंदुओं में बांटा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ह्रास नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉन पर दो बल लगाकर एक बाहर की तरफ अपकेंद्रीय, एक अंदर की तरफ अविकेंद्रीय। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है। स्थायी कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में, जिसे संक्रमण कहते हैं, डेल्टा ई बराबर ई टू माइनस ई वन। दोनों बलों को बराबर करने पर स्थायी कक्षकों की जो त्रिज्या है उसका मान आता है आर बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नोट। ए नोट जहाँ एक नियतांक का मान है, जिसका मान 0.529 एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं। एन कक्षा की संख्या है 1, 2, 3, 4। जेड उस तत्व का परमाणु क्रमांक है। इस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दूसरे और लिथियम के तीसरे। तो हाइड्रोजन का जेड हो गया 1 और ये एन बराबर 2। यहाँ लिथियम का जेड हो गया 3 और जेड बराबर भी कितना, 3। इस तरह से इनका मान रखेंगे हम, तो देखिए आप R प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर अपॉन जेड। तो R हाइड्रोजन के लिए हो गया 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1। R लिथियम के लिए हो गया 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 3 तो 3 और ये 4। RH अपॉन RLI 4 बटा 3।
3, ये अनुपात इनका आ गया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का मान En बराबर -13.6Z²/N²eV होता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, कक्षा की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। अनंत ऊर्जा स्तर n बराबर अनंत पर ऊर्जा का मान शून्य होगा, जो कि सर्वाधिक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ऋणात्मक होती है। न्यू बार एक संक्रमण के लिए तरंग दैर्ध्य न्यू बार बराबर 1λRh(1N²-1N2²). इसमें स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या हम ज्ञात करते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3, 4 अनंत से किसमें आता है, n1 बराबर 1 में आता है, n2 बराबर किसी से भी, n1 बराबर 1 में आता है, इसे लाइमन सीरीज कहते हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश में होता है। ऐसे ही n2 में अगर कोई आता है कहीं से भी, तो वो बामर कहलाता है। n3 में आता है, n1 बराबर 3 में आता है, पासन कहलाता है। ये श्रेणियाँ होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, मैंने लेनार्डो थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था कि धातु प्लेट पर विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये एनोड है और ये खेतोड़ है। जब खेतोड़ पर सूर्य प्रकाश एच न्यू आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होकर यहाँ जाते हैं और धारा बहती है। इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दृश्य और पराबैंगनी किरणों के कारण ही संपन्न होती है। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी धातु सतह से प्रकाश उत्सर्जित होने के लिए न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति से अधिक का दृश्य और प्रकाश होना चाहिए, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली तरंग दैर्ध्य धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के लिए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आवश्यक न्यूनतम आवश्यक तरंग दैर्ध्य से भी न्यून मान होना चाहिए। इसे देहली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ये देखिए, ये एच न्यू प्रकाश है, ये इस पर आपतित हो रहा है धातु सतह पर। ये इलेक्ट्रॉन है धातु सतह में, धातु सतह में इलेक्ट्रॉन ये कार्यपलन है। इसको बाहर निकालने पर ये ऊर्जा के बराबर ½m² है। कार्यपलन W0 बराबर H0। कार्यफलन क्या होता है? धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के पश्चात गतिज करता है। गतिज ऊर्जा के ही बराबर ½mv², जहां वी वेलोसिटी है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन के अनुसार जो आपतित प्रकाश है एच न्यू, वो दो भागों में होता है, एक तो धातु के कार्यफलन में और एक गतिज ऊर्जा में। तो कार्यफलन W0 H0 और गतिज ऊर्जा ½mv². इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ½mv² बराबर H(n)-H(n)0 के ही बराबर H(n)-H(n)0 या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। के ही और न्यू में जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। ये थीटा एंगल है, अंतःखंड W आता है। ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।